गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, ESS YouTube चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 6 मैथ में अवकलज का अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। ओके, तो जैसे कि आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग एक्सरसाइज 2, एक्सरसाइज 3, एक्सरसाइज 4, एक्सरसाइज 5 को हम लोग आगे कंप्लीट कर चुके हैं। और अभी तक जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश, बायो हर एक सब्जेक्ट का पढ़ाई कराया जा रहा है। ओके, तो आइए हम चलते हैं अपने सिलेबस की ओर। तो बोला गया कि चैप्टर 6 में हम पढ़ने जा रहे हैं अवकलज के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। मैथ चैप्टर है, मैथ और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है। तो जैसे नाम है कि अनुप्रयोग, एप्लीकेशन मतलब हम लोग अवकलज का हम लोग यूज कर रहे हैं, यानी कि अवकलज के लिए हम लोग कहां कहां करते हैं। अभी तो हम लोग अवकलन का डिफरेंशिएशन निकालने बताए होंगे, लेकिन अब हम लोग इसका यूज करने बताएंगे कि इसको हम यूज कैसे किया जाता है। तो यूज करने से पहले जो इस चैप्टर में जो मेन फार्मूला आने वाला है उस फार्मूला को हम यहाँ पर नोट कर दिए। ओके, जो जो फार्मूला इस चैप्टर में आएगा उस फार्मूला को यहाँ पर हम लोग क्या कर दिए, नोट कर दिए। ओके, जैसे लिखे है कि वर्ग का क्षेत्रफल, भुजा स्क्वायर, साइड स्क्वायर, वर्ग स्क्वायर जिसको बोलते हैं, इंग्लिश में लिख दिया और हिंदी में लिख दिया, सबका वही फार्मूला है। फार्मूला में कोई चेंजिंग नहीं है, जो आप लोग को इस चैप्टर में आप लोग को क्या करेगा, बेसिकली आप लोग को मजबूत करेगा, ठीक है। क्योंकि इसी के बेसिस पर हम लोग का टोटल क्वेश्चन बनेगा, यही फार्मूला का हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे। ओके, तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव मतलब अवकलज के अनुप्रयोग के जो मेन फार्मूला है उस फार्मूला को हम यहाँ पर शो कर दिए। ओके, कुछ और देखिए बताना चाह रहे हैं इसमें बाबू, ये देखिए मैं फॉर्मूला देख लीजिएगा। ओके, दो तीन और फॉर्मूला आप लोगों को दिखा रहे हैं। घन का आयतन भुजा की साइड क्यूब, वैल्यूम ऑफ क्यूब नंबर आप दे दीजिएगा। घन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 4 गुने भुजा के स्क्वायर, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, और एक होते घन का संपूर्ण क्षेत्रफल, घन का जो संपूर्ण क्षेत्रफल 6 गुने भुजा स्क्वायर का लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का क्या होगा, 6a2। ओके, एक यहां पर छूटा हुआ था 16, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कॉनिक πr×r+l। एक आप लोग का नंबर 17 हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा और ये 19 हो जाएगा। ओके, तो याद रखिएगा कि जो हम लोग इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले जो जो हम लोग का मेन फार्मूला दिया गया है इस फार्मूला को हम काफी लिख दिए, ठीक है। तो हम लोग पढ़ेंगे अवकलज का जो एप्लीकेशन पढ़ेंगे, डेरिवेटिव पढ़ेंगे, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, इस फार्मूला का यूज करेंगे। क्लियर है, चलिए अब ध्यान दीजिएगा। अब मेन हम अपने बेसिक कॉन्सेप्ट की ओर चल रहे हैं, है ना। बेसिक कॉन्सेप्ट इसका समझा रहा है, इसमें कॉन्फ्यूजन नहीं है, बस 2 लाइन का है, लेकिन उसको अच्छा से समझना होगा। बेसिक कॉन्सेप्ट को अगर वो समझ गए तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो हम लोग पढ़ेंगे हेडिंग अप पढ़ें, राशियों के परिवर्तन की दर, राशियों के परिवर्तन की दर,
रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी, इसको इंग्लिश बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी, QUANTITES, क्वांटिटी राशियों के परिवर्तन की दर। चलिए तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं राशियों के परिवर्तन की दर को, हम लोग कहा कहने पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो राशियों के परिवर्तन की दर को हम लोग देखिए कैसे जानेंगे, कैसे इसको लिखने सीखेंगे। ओके, तो दोनों का डिफिनेशन लिख दिए हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी हिंदी और इंग्लिश में, इंग्लिश डिफिनेशन है, हिंदी डिफिनेशन है। तो देखिए इसमें कोई आप लोगों का अलग रूल नहीं आएगा, है ना, बस आपको यहाँ पर एक तरीका बता दिया। जैसे मान लेते हैं कि अगर आपको हम बस में, अगर आप बस में बैठ जाते हैं तो आपका नाम यात्री पड़ जाएगा, अगर आप स्कूल में गए तो आपका नाम विद्यार्थी पड़ जाएगा या छात्र पड़ जाएगा, ठीक है। तो आप जिस सिचुएशन में रहते हैं उस सिचुएशन के अनुसार आपका अवस्थाओं के चिन्ह के अनुसार आपका नाम भी बदल जाता है, बदलता है ना। ठीक उसी प्रकार हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ेंगे, अवकलज का अनुप्रयोग पढ़ेंगे, तो जैसे हम पीछे पढ़े थे वैसे यहाँ भी पढ़ना है, बस अंतर यहाँ इसको कुछ अलग तरीका से बोलेंगे। जैसे मान लेते हैं कि अवकलज ds by dt से हमारा तात्पर्य समय अंतराल t के सापेक्ष दूरी s के परिवर्तन की दर से है। जैसे अगर हम लोग अभी इस चैप्टर को नहीं पढ़ते तो हम लोग क्या बोलते, अवकलज लिया गया है, क्या लिया गया, अवकलज किसके सापेक्ष, समय के सापेक्ष। ये भी अवकलज लिया गया है किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष, तो ये भी एक अवकलज है लेकिन डिफ्रेंसिएशन ही है, लेकिन इस चैप्टर में इसको रेट ऑफ चेंज के नाम से हम लोग क्या करेंगे जानेंगे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे रेट ऑफ चेंज के नाम से हम लोग क्या करेंगे जानेंगे, ठीक है। तो बोला कि अवकलज ds by dt से हमारा तात्पर्य समय अंतराल t के सापेक्ष दूरी s के परिवर्तन की दर से है, या बोला गया है कि बाय द डेरिवेटिव ds by dt वी मीन द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस s विथ रिस्पेक्ट टू टाइम t। यहां तक इंग्लिश में बोल दिए कि यहां तक आपका हिंदी में है, यहां तक इंग्लिश में है कि अवकलज ds by dt समर्थक पर समय अंतराल t के सापेक्ष दूरी s के परिवर्तन की दर से है, परिवर्तन की दर से, ठीक। इसी प्रकार यदि एक राशि एक दूसरी राशि x के साथ, इसी प्रकार एक राशि y एक दूसरी राशि x के सापेक्ष किसी नियम y बराबर fx को संतुष्ट करते हुए परिवर्तित होती है तो dy/dx या f'x, x के सापेक्ष y के परिवर्तन की दर को प्रदर्शित करता है। और यहाँ यही बोला गया है कि इन ए सिमिलर फैशन व्हेन एवर वन क्वांटिटी y वेरी विथ अनदर क्वांटिटी x सेटिस्फाई द सम रूल, कुछ नियम के अनुसार y इक्वल fx द dy/dx और फंक्शन -x रिप्रेजेंटेड द रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं रेट ऑफ चेंज के नाम से हम लोग क्या करेंगे जानेंगे। लेकिन इस चैप्टर में ध्यान रखिएगा कि देखिएगा dy/dx इसको तीन नाम से बोलते हैं, ध्यान रखिएगा डेरिवेटिव ऑफ y, डेरिवेटिव of y respect to the x, इसी का एक और नाम है rate of change of y with respect to x, और इसी का एक और नाम आपका हो जाएगा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो इसी को हर एक चैप्टर में और एक और चैप्टर में अगर इसको जाइएगा इसी का नाम अगर पढ़ जाएगा आपका स्लो, तो जैसे जैसे हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे वैसे वैसे है, वही काम करना है एक ही, लेकिन चैप्टर के अकॉर्डिंग इसका नाम बदल जाएगा, ठीक है। इस चैप्टर में इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इन चारों में से कोई भी बोलिएगा तो आपको गलत नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो इसी को चार नामों से पुकारा जाता है डेरिवेटिव ऑफ वाई रिस्पेक्ट टू द एक्स, इसका मतलब ये हुआ कि एक्स के सापेक्ष वाई का अवकलज x के सापेक्ष
हिंदी इसका लिख रहे हैं वाई का अवकलज, इसका हिंदी हो गया एक्स के सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष वाई के परिवर्तन की दर, वाई के परिवर्तन की दर, इसको बोलते हैं हिंदी में प्रथम कोटि का अवकलज, प्रथम कोटि का अवकलज, और इसको बोलेंगे ढाल। सर का हिंदी लिख दिए। चलिए तो इस चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग रेट ऑफ चेंज के नाम समूह का करेंगे जानेंगे। ओके उलीगर। चलिए अब यहां पर कंसेप्ट को आप समझना चाह रहे हैं। देखिए अगर कोई आपसे पूछेगा कि एरिया का टाइम के सापेक्ष रेट ऑफ चेंज क्या होगा, एरिया का टाइम के सापेक्ष रेट ऑफ चेंज क्या होगा, तो याद रखिएगा इसमें हम लोग का कुछ सिंबल आएगा याद रखिए। जैसे एरिया, तो एरिया का जब भी एरिया मतलब होता है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का हम सिंबल किससे यूज करते हैं, क्षेत्रफल के सिंबल हम ए से इंडिकेट करते हैं। उसके बाद वैल्यूम, वैल्यूम के सिंबल को हम लोग क्या लेंगे आयतन, तो आयतन को हम किस इंडिकेट करेंगे वी से। उसके बाद होता है त्रिज्या रेडियस, रेडियस का रेडियस को हम किस इंडिकेट करते हैं, तो रेडियस को हम लोग इंडिकेट करेंगे रेडियस होता है त्रिज्या, त्रिज्या को हम किस इंडिकेट करेंगे आर से। तो ये जो तीन को आप लोग का जो क्वांटिटी है ये क्वांटिटी हमेशा फिक्स है, इसको इसी से इंडिकेट किया जाता है। अगर कोई पूछेगा कि एरिया का रेट ऑफ चेंज, एरिया का रेट ऑफ चेंज समय के सापेक्ष क्या होगा, डीए बाय डीटी हो जाएगा। वैल्यू का रेट ऑफ चेंज क्या होगा, क्या बोलेगा डीवी बाय डीटी हो जाएगा। और अगर बोलेगा कि रेडियस का तो डीआर बाई क्या बोलेगा, डीटी बोल जाएगा। ठीक है कि रेट ऑफ चेंज है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे रेट ऑफ चेंज। तो आप लोग निकालने जाएंगे कि रेट ऑफ चेंज कैसे निकाला जाता है। अगर कोई पूछेगा कि एरिया का रेट ऑफ चेंज ज्ञात करें समय के सापेक्ष, एरिया मतलब ए डीए बाय डीटी, वैल्यूम का रेट ऑफ चेंज निकाले किसके रिस्पेक्ट में टाइम के रिस्पेक्ट में, और रेडियस का रेट ऑफ चेंज निकाले किसके रिस्पेक्ट में टाइम के रिस्पेक्ट में। तो जब भी आप इसका क्वेश्चन बनाने चलिएगा तो आपका रेट ऑफ चेंज आपको शो करेगा कि किसके रिस्पेक्ट में हम लोग को हल करना है। तो सबसे पहले क्लियर समझिए कि रेट ऑफ चेंज होता क्या है। तो रेट ऑफ चेंज का मतलब यही होता है कि फर्स्ट क्वांटिटी का अनदर क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में अगर हम डिफरेंशिएशन ले लेते हैं तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, है ना, कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई रिस्पेक्ट टू द एक्स, मतलब एक्स के सापेक्ष वाई के परिवर्तन की क्या है दर है, रेट ऑफ चेंज है। तो इसको क्या बोलते हैं, एक किसका रेट ऑफ चेंज बोलेंगे एरिया का किसके रिस्पेक्ट में टाइम का, एक किसका रेट ऑफ चेंज बोलेंगे वैल्यू का आयतन का किसके रिस्पेक्ट में टाइम के रिस्पेक्ट में, एक किसका रेट ऑफ चेंज बोलेंगे रेडियस का किसके रिस्पेक्ट में टाइम के रिस्पेक्ट में। तो ये बात को आपको ध्यान देना होगा कि कौन सा क्वांटिटी किसके रूप में आपको चेंज हो रहा है। ठीक है, अगर बोलेगा कि सर्किल के एरिया का रेट ऑफ चेंज ज्ञात करें, तो सर्किल, सर्किल मतलब ब्रिज होता है, तो सर्किल के एरिया का रेट ऑफ चेंज निकालें। ठीक है, तो सर्किल के एरिया कोई किसी का भी एरिया हो एरिया को हम ए से इंडिकेट करेंगे, वैल्यूम किसी का हो वैल्यूम को भी से इंडिकेट करेंगे, और रेडियस को हम क्या करेंगे आर से इंडिकेट करेंगे। ठीक है, लेकिन एक इसमें सावधानियां याद रखिएगा, कोई भी फॉर्मूला बनाने से गिवेन द वैल्यू, गिवेन द वैल्यू इसमें याद रखिएगा कि फर्स्ट टर्म में क्या करते हैं कि जिसका फॉर्मूला होगा पहले उसी का हम लेकर चलते हैं। ठीक है, फॉर्मूला किसका किसका होता है, एरिया का होता है, किसी भी चीज का एरिया का फॉर्मूला होगा, किसी भी चीज का वैल्यूम का फॉर्मूला होगा, और किसी चीज के परिमीटर का फॉर्मूला होगा, परिमीटर। यही तीनों चीज का फॉर्मूला होता है, बाकी कोई चीज का फॉर्मूला होता नहीं है। और एक बार याद रखिएगा, कोई भी एरिया टोटल सरफेस एरिया कोई भी हो तो यही तीन चीज का फॉर्मूला हम लोग का होता है, चाहे किसी का एरिया का होता होगा, किसी का वैल्यूम का होता होगा, किसी का पेरीमीटर का होता होगा। ठीक है, अब आता रेडियस, तो रेडियस का कोई फॉर्मूला होता नहीं, क्योंकि रेडियस हम निकालते हैं फॉर्मूला उसका एक्यूरेट होता नहीं। कोई आपसे पूछा जाता है कि रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, नहीं ना, जास्ती आप लोग का फॉर्मूला किसका पूछा, किसी के आयतन का, किसी के क्षेत्रफल का, किसी के परिमाप का,
ए नंबर फॉर्मूला जास्त यूज करते हैं। तो याद रखिएगा कि कोई भी सवाल अगर बनाने चलिएगा तो सबसे पहले आपको ध्यान देना होगा कि रेट ऑफ सेल को दिखाना होगा, और रेट ऑफ सेल के बाद जो डिविजन वैल्यू दिया हुआ रहेगा, दिया गया मान रहेगा, उसमें देखेंगे कि देने के बाद जिसका फॉर्मूला होगा पहले उसके फॉर्मूला को बैठाएंगे तब आगे हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन कैसे है उसको खुद देखिएगा, समझिएगा, घबराने की जरूरत नहीं है आप लोग को, ठीक है। इसी पर आप लोग को ध्यान देना है, एकदम अच्छा तरीका से घबराना नहीं है, है ना। एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, तो एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर हम लोग का क्या है, फर्स्ट है। बोला है कि वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर, वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर, परिवर्तन की दर इसकी त्रिज्या के सापेक्ष ज्ञात करें। क्वेश्चन नंबर इसका फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर इसका फर्स्ट जो दिया गया है, पहला इसका क्वेश्चन है, जबकि आर इक्वल, एक बार कितना दिया है, आर इक्वल 3 सेंटीमीटर है, और दूसरा दिया है आर इक्वल 4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर है, ओके। इसका क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इसका लिख दे रहे हैं, इसका क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम का, पहला क्वेश्चन नहीं है, ए इक्वल यहां पर है, ए है और यहां क्या है, बी है, ए भी दिया हुआ है, फाइंड द, इसके इंग्लिश में फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ द एरिया ऑफ द एरिया ऑफ ए सर्किल ऑफ ए सर्किल विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस आर वेन आर इक्वल 3 सेंटीमीटर और बी आर इक्वल 4 सेंटीमीटर, ओके। चल देखिएगा, तो बोला गया कि वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर इसकी त्रिज्या के सापेक्ष क्या करें, ज्ञात करें, और फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ ए सर्किल विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस आर, वेन आर इक्वल 3 सेंटीमीटर, आर इक्वल 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका कैलकुलेशन यहां कर रहे हैं। देखिए बाबू, हम लोगों को किसके सापेक्ष निकालना है परिवर्तन की दर, त्रिज्या के सापेक्ष, रेडियस के सापेक्ष, किसका, एरिया का, क्षेत्रफल का। तो क्षेत्रफल को हम किससे मानते हैं, ए से मानते हैं ना। तो मान लीजिए माना कि वृत्त का क्षेत्रफल ए और त्रिज्या त्रिज्या आर है, लेट लेट
ए बी द एरिया, लेट ए बी द एरिया एंड आर बी द रेडियस, आर बी द रेडियस ऑफ ए सर्किल। मान लेते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल ए है और त्रिज्या क्या है, आर है। ओके, तो बोला गया कि क्षेत्रफल का परिवर्तन की दर ज्ञात कर, याद रखिएगा जहां रेट ऑफ चेंज बोलेगा तो मत समझिएगा हम लोग का ये ज्ञात करना है, नहीं, किसी का भी रेट ऑफ चेंज हो तो समझिएगा उसको इस रूप में इंडिकेट करना होगा। कब, चाहे एरिया का हो, चाहे वॉल्यूम का हो, चाहे रेडियस का हो, चाहे परिमीटर का हो, चाहे सर्कमफेरेंस का हो, किसी का भी रेट ऑफ चेंज निकालना होगा। तो रेट ऑफ चेंज का मतलब ये मत समझिएगा कि हम लोग को ए निकालना है, नहीं, हम लोग को निकालना है क्या, डी ए बाई, और यहाँ ध्यान रखिएगा किसके रिस्पेक्ट में, रेडियस के रिस्पेक्ट में। तब रेडियस को क्या माने, आर माने है ना, तो डी ए बाई आर यही हम लोग को फाइंड करना है, इसी को हमको क्या करना है, फाइंड करना है। चाहे टिक क्यों नहीं लिखे हैं, क्योंकि यहाँ समय के सापेक्ष है, तब हम समय दिए होंगे, यहाँ रेडियस के सापेक्ष है इसलिए हम रेडियस दिए होंगे। तो जिसके रिस्पेक्ट में बोलेगा उसी के रिस्पेक्ट में हम लोग क्या करना होगा, डिफ्रेंसिएशन दिखाना होगा, रेट ऑफ चेंज को क्या करना होगा, ज्ञात करना होगा। तो एक बार अच्छा से समझिएगा, ठीक है। तो देखिएगा, माना कि वृत्त का क्षेत्रफल ए और त्रिज्या आर है, लेट ए बी द एरिया एंड आर बी द रेडियस ऑफ सर्किल। माना कि वृत्त का क्षेत्रफल ए और त्रिज्या का है आर है, तो ऐसे क्यों लिख दिए हैं, तो बोला है ऊपर कि वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर ज्ञात करें, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ ए सर्किल। हो गया इतना, चलिए हम लोग का क्वेश्चन नंबर ए निकालना है ना। तो देखिएगा आर बराबर कितना सेंटीमीटर है, 30 सेंटीमीटर है, तो लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है बाबू लोग, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर एरिया ऑफ ए सर्किल, इंग्लिश में लिख लीजिएगा एरिया ऑफ ए सर्किल इक्वल पाई आर स्क्वायर एरिया ऑफ ए सर्किल। ओके, इसका इंडिकेट क्या होता है, पाई आर स्क्वायर ए होता है ना, डी सी डब्ल्यू आर टी और आर, आर के रिस्पेक्ट में क्यों लिए हैं, क्योंकि हमारा रेट ऑफ चेंज किसके रिस्पेक्ट में, आर के रिस्पेक्ट में, इसलिए इसका डी सी लेंगे हम आर के रिस्पेक्ट में। ओके, तो डी ए बाई का बन जाएगा डी आर हो जाएगा, आप लोग पढ़े होंगे ना बाबू, अरे पाई आर स्क्वायर का डी सी टू आर हो जाएगा, कन्फर्म हो गया। चलिए डी ए बाई का बन जाएगा डी आर हो जाएगा, यहाँ का हो जाएगा टू पाई आर दिया है, टू पाई आर। अब ध्यान देना है बाबू, इफ आर इक्वल 3 सेंटीमीटर देन डी ए बाई डी आर, यहां लिखना होगा आर इक्वल कितना है बाबू, 3 ना, क्या बैठाइएगा तो 2 पाई यहाँ 3 हो जाएगा, डी ए बाई क्या बन जाएगा डी आर, और यहाँ आर इक्वल 3 हल करेंगे 6 पाई। ओके, इसका देखिए इसका माप यूनिट का हो जाएगा, तो एरिया का सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा और नीचे रेडियस का भी सेंटीमीटर, तो यही इसका आंसर हुआ कि डी ए बाई डी आर आर इक्वल 3/6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। हर एक क्वेश्चन को, हर एक कंडीशन को ऐसे ही फॉलो करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, घबराने की जरूरत नहीं है। ओके, एक दो क्वेश्चन में खुद आप लोग अच्छा तरीका से समझ जाइएगा। ओके, घबराने की आप लोग को जरूरत नहीं है। तो देखिएगा, तो माना कि वृत्त का क्षेत्रफल ए, जो जो राशि आपको उसमें चाहिए वो राशि पहले मान लिया जाता है, इसमें दो ही चाहिए, क्षेत्रफल त्रिज्या का बात किया है इसलिए हम दो ही माने हैं, अगर जिसमें जितना कहेगा उतना मानना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ले ए बी द एरिया एंड आर बी द रेडियस ऑफ ए सर्किल, रेट ऑफ चेंज मतलब परिवर्तन की दर किसका निकालना है, क्षेत्रफल का, किसके सापेक्ष, आर के सापेक्ष। वृत्त का क्षेत्रफल का है पाई आर स्क्वायर, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एरिया ऑफ ए सर्किल, इतना तो आप लोग इंग्लिश जानते ही होंगे, एरिया ऑफ ए सर्किल यहाँ हल किए हैं, ठीक है, इतना है। इसका बी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कौन हो जाएगा बी, इसी का क्वेश्चन कहा होगा बी, यहाँ कहा हो जाएगा आर का वैल्यू कितना, 4 सेंटीमीटर, सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, वृत्त का क्षेत्रफल कहा होगा पाई आर स्क्वायर, बी वाले को हल कर रहे हैं, क्वेश्चन डी सी निकाले होंगे। देखिए यहाँ पर इफ आर इक्वल कितना है, 4 है ना, यहाँ 4 कर देंगे, यहाँ कितना पुट कर देंगे 4, यहाँ कितना हो जाएगा 4,
यहाँ भी कितना हो जाएगा 4 और यहाँ कितना हो जाएगा 8। ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर कौन हो गया बी। तो आप लोग बी को भी अच्छा से उतार लीजिएगा। देखिए सेम टू सेम उसी टाइप का क्वेश्चन बना हुआ है, कोई चेंज नहीं, कोई परिवर्तन इसमें नहीं है। बस आप लोग को जो थ्योरी है थ्योरी के कंसेप्ट को समझिए, कंसेप्ट समझ लीजिएगा। एकदम इजी चैप्टर है आप लोग को, है ना। जैसे आप लोग 10 क्लास में पढ़े होंगे समीकरण पढ़े होंगे, क्या पढ़े होंगे समीकरणों का हल, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, ये सब पढ़े होंगे ना। तो उसमें डायरेक्ट कहीं क्वेश्चन दिया होगा, उसके बाद लैंग्वेज बना लैंग्वेज दिया होगा, उसको इस रूप में लाना होता हो। ठीक है, ठीक उसी प्रकार समझ गए। आई होप समझ गए हमें कैसे इसको हल किया जा रहा है। अगर नहीं भी समझे होंगे तो आगे 2-3 क्वेश्चन में एकदम क्लियर है कि कन्फर्म समझ जाइएगा, घबराना नहीं। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर क्या है हम लोग बाबू, क्वेश्चन नंबर 2 इसे इंग्लिश में पहले लिख दे रहे हैं। द वैल्यूम ऑफ ए क्यूब इज, द वैल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, हाउ फास्ट इज द surface area increasing when the length of an edge इस 12 सेंटीमीटर इसका हिंदी है कि एक घन का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड की दर से बढ़ रहा है। पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है जबकि इसके किनारे की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। इसका हम सोल्व किया जाए, ऊपर इंग्लिश है नीचे हिंदी है, क्वेश्चन लिखेगा। बोला कि द वैल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। देखिए एक बात याद रखिएगा, जहां रेट ऑफ चेंज बोले और जहां इंक्रीजिंग बोले तो समझिएगा दोनों बात देखिए, दोनों मतलब चेंजिंग हो रहा है। ओके, तो वही बोला गया है एक घन का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है, पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है जबकि इसके किनारे की लंबाई कितना सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर है। वही द वैल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीजिंग at the rate of 8 centimeter cube per second, how fast is the surface area increasing when the length of an edge is 12 centimeter? ठीक है, तो देखिए सबसे पहले कोई भी इस 6 पॉइंट चैप्टर को बनाने के लिए सबसे पहले देखना होगा कि इसमें कब क्वांटिटी को कितने राशि को मानना होगा। देखिएगा तो पहला का बोला है आयतन, वैल्यूम का बात बोला है, वैल्यूम को घेर लेंगे। उसके बाद क्या बोला है,
सरफेस एरिया, एरिया बोला है सरफेस एरिया, और उसके बाद लेंथ, तीन चीज को आपको मानना होगा ना, एक आयतन मानना होगा, एक घन का आयतन, तो आयतन तो लिखिएगा, माना कि घन का आयतन भी पृष्ठ क्षेत्रफल एस और इसके किनारे की लंबाई एल है, या लिखिएगा लेट भी बी द वैल्यू, एस बी द सरफेस एरिया एंड एल बी द लेंथ ऑफ क्यू, लेंथ ऑफ क्यू, जो जो राशि उस राशि को मान ली। अब देखिए दिया क्या है, समझिएगा, अब क्या समझिएगा, वहां तो आप लोगों को बोल दिया था कि किसके रिस्पेक्ट में हम लोग का रेट ऑफ चेंज निकाला था, रेडियस के रिस्पेक्ट में, लेकिन यहां बोला नहीं लेकिन छिपा हुआ है। देखिएगा जो पर में दिया रहेगा ना, उसी के रिस्पेक्ट में हम लोग को रेट ऑफ चेंज हो रहा है, या सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड है ना, सेकंड किसका यूनिट है, टाइम का, मात्रक समय का है, ओके। इसलिए हम लोग का जब भी रेट ऑफ चेंज होगा वो किसके सापेक्ष लिखा जाएगा, समय के सापेक्ष लिखा जाएगा, किसके सापेक्ष, समय के सापेक्ष, ठीक है। कल वाले क्वेश्चन में, कल वाले पीछे वाले क्वेश्चन में क्या था कि उसमें आप लोग को दिया था कि त्रिज्या के सापेक्ष, रेडियस के सापेक्ष, इसमें बोला नहीं है, जो आपको बाटा में दिया रहेगा वही समझेगा उसे, ठीक है। तो वैल्यू दिया है ना बाबू, तो क्या है, भी नहीं दिया है, ध्यान रखिएगा, आपका ये वैल्यू भी नहीं दिया है, डायरेक्ट भी बराबर मत 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड नहीं, क्योंकि आप प्रति में दिया है डीवी बाई का बन गया डीटी 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, क्योंकि हम लोग का आयतन देखिए ऐसे दिया है, ओके। अच्छा पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, पृष्ठ क्षेत्रफल सरफेस एरिया मतलब डीएस बाई डीटी, इसको हम लोग को फाइंड करना है, और उसका लेंथ कितना दिया है, लेंथ इक्वल कितना है 12 सेंटीमीटर। अब बात रहा है कि सर जो लेंथ 12 सेंटीमीटर दिया है उसको हम डीएल बाई डीटी नहीं लिख सकते हैं, नहीं बाबू, क्योंकि इसमें आप लोग खाली यूनिट का दिया है, सर देखिएगा 12 सेंटीमीटर दिया है, बटा में नहीं है कुछ दिया, इसलिए नहीं लिखे, ठीक है। इसमें दिया हुआ है और इसमें बोलिए ना कि उसके परिवर्तन की दर ज्ञात करना है, इसलिए से किए, ठीक है। चलिए तो याद रखिएगा कि अगर इस चैप्टर में अगर एक सिंबल लिखने जान गए तो समझिएगा कि आपको बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्लियर है। तो समझिएगा ये डीवी बाई डीटी क्यों लिए हैं, क्योंकि यहाँ बोला है इंक्रीजिंग, बोला है इंक्रीजिंग डीवी बाई डीटी ही क्यों लिए हैं, क्योंकि प्रति में एस है, एस मतलब सेकंड सेकंड टाइम का यूनिट है, ओके। इसको ऐसे क्यों लिख दिए हैं, तो भी बोला है कि पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग का बात बोला था डीएस बाई का डीटी, एल को क्यों नहीं लिखे हैं, तो एल डायरेक्ट बोले तो उसका लेंथ दिया है, उसका रेट, उसका इंक्रीजिंग लेंथ नहीं दिया, अगर इंक्रीजिंग लेंथ बोल देता तो हम इसको भी लिखते, ओके। चलिए अब यहाँ पर हम लोग हल करेंगे, अब देखिएगा आप लोग को नोट वाला फॉर्मूला लिखवाए हमने नोट में जो पीछे बताए थ्योरी में, कि अगर जो वैल्यू दिया हुआ है अगर उसका फॉर्मूला होगा तो पहले उसी को हल करेंगे, तो वैल्यू दिया हुआ है ना बाबू, तो क्या वैल्यू का फॉर्मूला होता है कि नहीं, किसी का होता है ना, इसलिए हम यूज करेंगे, लिखिए किसका क्यूब दिया है, क्यूब मतलब घन दिया है, तो लिखेंगे वैल्यूम ऑफ क्यूब, घन का आयतन लिख लीजिएगा, क्या होता है साइड की भुजा क्यूब, तो एल क्यूब हो जाएगा ना, एल क्यूब के भुजा पे ही माने हैं, तो इसको भी है तो भी इक्वल एल क्यूब, डी सी डी सी डब्ल्यू आर टी टी, आर टी टी के साथ समय के साथ, क्योंकि रेट ऑफ चेंज टाइम है इसीलिए, ओके। डी वी वाई का बन जाएगा डी टी, अरे हो जाएगा 3 एल स्क्वायर, लेकिन यहाँ भी डी एल वाई डी टी बन जाएगा,
ये हम लोग का डीएल बाई क्या बनेगा डीटी, क्लियर है। केम की हम लोग का भी टी के रिस्पेक्ट में है, यहाँ टी नहीं है। अब देखिए इसका वैल्यू 8 एक है ना, 3LA² डीएल बाई क्या बन जाएगा डीटी, डीएल बाई डीटी, ओके। डीएल बाई डीटी इक्वल जब निकालेंगे 8/3L² ओके, इतना हम लिख दिए। चलिए अब देखिए हम लोग को मेन जहां पहुंचना है वहां पहुंचेंगे। स्पेस मतलब एरिया नाम क्या लिखिएगा, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, इसको हिंदी में बोलते हैं कि घन का पृष्ठ क्षेत्रफल, घन का या टोटल डाल लीजिएगा टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया मतलब घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या है, 6 भुजा² मतलब 6L² तो इसको एस माने हैं 6L² DCWRTT एबीटी के रिस्पेक्ट में DS/DT बन जाएगा ये, अब 12L DL/ का बन जाएगा DT, क्लियर है। तो DS/ हम लोग का DT हो जाएगा ना बाबू, DS/ हम लोग क्या बन जाएगा यहाँ पर DT, DS/ क्या बन जाएगा हम लोग का DT, ओके। तो यहाँ 12 हो जाएगा ना, 12L और DL/DT का मान निकल गया 8/3L² 1L से 1L कट जाएगा 3×6=12, हम यहाँ लिख रहे हैं बाबू DS/ का हो जाएगा DT इक्वल कितना ऊपर बचेगा 8×6=32 और नीचे L हो जाएगा 8×6=32 और नीचे का आ जाएगा L, ओके। DS/ का हो जाएगा DT 8×32 है और नीचे L का वैल्यू कितना है DL L का, तो L का 12 है ना, तो 4×3=12 4×8=32 तो क्या होगा DS/DT इक्वल 8/3 या यूनिट और सेंटीमीटर स्क्वायर पर टाइम सेकेंड। तो इसी तरह हम लोग को हल करना है। तो इस दो क्वेश्चन से आप लोग को मालूम हो गया होगा कि कैसे इसको हल करना है। अगर नहीं समझ में आया होगा तो कोई बात नहीं, अभी दो क्वेश्चन बताएंगे तो खुद इसके बेसिस पर आप लोग समझ जाइएगा। लेकिन ये तो जान गए होंगे कि कैसे माना जाता है, कैसे रेट ऑफ सेल निकाला जाएगा, इंक्रीजिंग कैच या रेट ऑफ सेल बोले बात देखिए, ठीक है। याद रखिएगा कि आप तो बोले कि इसके रिस्पेक्ट में निकाले, हम नहीं बोलेगा यहाँ दिया रहेगा, जो नीचे दिया रहेगा उसी के रिस्पेक्ट में हाँ आप लोग को ऑपलर मतलब डिफरेंशिएशन का आकार निकालना है। तो माना कि घन का आयतन भी पृष्ठ क्षेत्रफल एस और इसे किनारे की लंबाई एल है, आयतन दिया है, आयतन डायरेक्ट आपको आयतन भी नहीं दिया बल्कि DV/DT दिया है और DS/DT निकालना है एल, एल बराबर 12 सेंटीमीटर। देखिए पहला आप क्या बोलेंगे, जो वैल्यू आपका गिवन वैल्यू जो वैल्यू दिया रहेगा अगर उसका फार्मूला होगा तो पहले उसी को हल करेंगे, वहां से एक मान निकलेगा फिर जो फाइंड करना है फिर उसको निकालेंगे आप तब हल करेंगे जो आएगा वही आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड बात करने जा रहे हैं बाबू, क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसका क्वेश्चन नंबर थर्ड बोला है कि एक वृत्त की त्रिज्या, एक वृत्त की त्रिज्या, एक वृत्त की त्रिज्या समान रूप से 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से बढ़ रही है, ज्ञात कीजिए कि वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है जब त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, जब त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन नंबर थर्ड,
द रेडियस ऑफ ए सर्किल, द रेडियस ऑफ ए सर्किल, द रेडियस ऑफ ए सर्किल इज इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग इनफॉर्मली यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, एट द रेट 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड फाइंड द रेट एट विच द एरिया ऑफ द सर्किल इज इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग when the radius is 10 centimeter. देखिए क्वेश्चन को समझ लिया जाए. ब्रेक की क्रिया समान रूप से 3 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड की दर से बढ़ रही है, तो जहां बढ़ने के बाद बोले तो आप लोग समझ गए होंगे को डायरेक्ट आरंभ कर दिया हुआ नहीं है. ओके, ज्ञात कीजिए कि ब्रेक का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है जबकि त्रिज्या कितना सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर. इंग्लिश में द रेडियस ऑफ ए सर्किल इज इंक्रीजिंग इनफॉर्मली एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड. फाइंड द रेट ऑफ रेट एट विच द एरिया ऑफ द सर्किल इज इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस इज 10 सेंटीमीटर. रेडियस कितना सेंटीमीटर है इसका, 10 सेंटीमीटर. ओके, चलिए इसको सॉल्व किया जाए. इसमें याद रखिएगा इसमें क्या मानना होगा, क्या क्या मानना होगा. तो देखने से एक ब्रिज की त्रिज्या, एक त्रिज्या मानना होगा और एक इसका क्षेत्रफल मानना होगा. और कोई चीज आ रहा है इसमें नहीं ना, तो लिखिए माना कि ब्रिज की त्रिज्या, ब्रिज की त्रिज्या आर और क्षेत्रफल ए है. लेट आर बी द रेडियस, आर बी द रेडियस एंड ए बी द एरिया ऑफ ए, एरिया ऑफ ए सर्किल. मान लीजिए जो पहले मानने वाला उतना वैल्यू को मान लीजिएगा और फिर एक बार पढ़िएगा कि एक वृत्त की त्रिज्या समान रूप से 3 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड की दर से बढ़ रही है. आप लोग देख रहे हैं कि बाटा में आ गया ना, तो त्रिज्या है ना, तो डी आर बाई डी टी भी बाटा में लिख देंगे. ऐसे कितना 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड केवल समय लिए हैं कि किसका बाटा में सेकेंड दिया हुआ है उसी लिए. आप लोग भी समझ गए होंगे डी आर बाई डी टी केवल कहा नहीं है, आर लिखे हैं क्योंकि बाटा में दिया, इसको बाटा में दिखाना होगा. किसके साथ समय का समय लिखे. ओके, फिर बोलेंगे ज्ञात कीजिए कि ब्रिज का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, यानी एरिया ज्ञात करना है. डीए में क्या निकालना है, डीटी निकालना है, हर ए निकालना है हम लोग को. अच्छा, जबकि त्रिज्या का आर दे दिया है ना, आर कितना सेंटीमीटर है. अब आई होप समझ गए कैसे इसको लिखा जाता है. ओके, अब हम लोग का डीआर बाई डी टी बराबर 3 सेंटीमीटर, डीए बाई डी टी बराबर व्हाट, क्वेश्चन में इसका मार्क्स निकालना है कि इसका वैल्यू कितना हो जाएगा. और उसके बाद बोला है कि आर इक्वल कितना है, 10 सेंटीमीटर. तो आर का वैल्यू कितना सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है. देख लीजिए 10 सेंटीमीटर ऐसा हो गया. अब देखिएगा नियम क्या है ना, कि अगर जो वैल्यू दिया होगा उस वैल्यू को देखेंगे कि इसका फार्मूला होता है कि नहीं. तो इसका फार्मूला नहीं होता है क्योंकि कहीं त्रिज्या का फार्मूला होता है, कहीं लंबाई का फार्मूला होता है, कहीं भुजा का फार्मूला होता है, नहीं इन सब का एक्यूरेट फार्मूला होता नहीं, इसको कहीं वैल्यू से निकाला जाएगा. इसलिए हम लोग इसका फार्मूला नहीं होगा, इसको अब नहीं हल करेंगे. ठीक है, अब आएंगे इसको जिसको हल करना है. तो क्या है एरिया का, तो एरिया पर हम लोग चलेंगे. तो लिखेंगे ब्लेड का क्षेत्रफल, तो ब्लेड का क्षेत्रफल क्या होता है,
पाई आर ए स्क्वायर, एरिया ऑफ ए सर्किल का पाई आर स्क्वायर हो जाएगा डी सी डब्ल्यू आर टी और कावर टी। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में आर लिखे होंगे आर के रिस्पेक्ट में, लेकिन यहाँ रिस्पेक्ट नहीं बोला है, तो जो हम लोग का चेंज होगा ना उसी चेंजिंग के रिस्पेक्ट में हम लोग डी सी लेंगे। ले लिए तो डी ए वाई क्या हो जाएगा डी टी हो जाएगा ना ए, अरे टू पाई यहाँ पाई, अरे यहाँ टू आर, यहाँ डी ए वाई क्या बन जाएगा डी टी। कन्फर्म है तो डी ए वाई क्या बन जाएगा डी टी इक्वल टू पाई आर डी आर वाई क्या बन जाएगा डी टी। क्लियर है, यहाँ लिखेंगे डी ए बाई डी टी इक्वल हम लोग को देखिए टू पाई आर का वैल्यू कितना है, तो आर का वैल्यू हम लोग का कितना दिया है टेन दिया हुआ है, और डी आर बाई डी टी का वैल्यू कितना है थ्री दिया है, तो डी ए बाई का वन मेरा डी टी हो जाएगा, और दस यूनिट बीस दिए तीस साठ पाई हो जाएगा ना, यूनिट का आ जाता है एरिया का सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे समय है तो सेकेंड हो जाएगा, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह हम लोग को इस क्वेश्चन को क्या करना है बनाना है, इस क्वेश्चन में कोई ज्यादा लंबा प्रोसेस नहीं है, बस आप लोग ये समझना है कि जो पहले दिया है उसको मान लेंगे, जो जहां चेंजिंग का बात आ जाएगा जहां इंक्रीजिंग का बात आ जाएगा तो उसको इस फॉर्म में लिखा जाएगा, और जहां डायरेक्ट दिया गया है कुछ नहीं चेंजिंग करेगा तो ऐसे लिखेंगे। बाकी वैल्यू याद रखिएगा कि जो वैल्यू दिया हुआ रहेगा गिवन द वैल्यू, दिया हुआ वैल्यू जो रहेगा अगर उसका फार्मूला होगा तो बैठाएंगे नहीं होगा छोड़ देंगे। याद रखिए कि फार्मूला किसका किसका होगा, वैल्यू आयतन का एरिया और परिमाप का, यही या परिधि का, यही सबका फार्मूला होता होगा, बाकी का नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम बात करने जा रहे हैं चार, क्वेश्चन नंबर हम लोग का बात करेंगे बाबू चार। ओके, फोर क्वेश्चन है कि एक परिवर्तनशील घन का किनारा, एक परिवर्तनशील घन का किनारा 3 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड, 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड सेकेंड की दर से बढ़ रहा है, सेकेंड की दर से बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, तो घन का आयतन, तो घन का आयतन किस दर से बढ़ रहा है, जबकि किस दर से बढ़ रहा है जबकि किनारा 10 सेंटीमीटर है, जबकि किनारा कितना है बाबू 10 सेंटीमीटर लंबा है, किनारा जबकि 10 सेंटीमीटर क्या हम लोग का है लंबा। ओके चलिए अगला हम क्वेश्चन का बात करेंगे, अगला पॉइंट का इसका इंग्लिश में क्वेश्चन है हम लोग का, एंड एज ऑफ ए वेरिएबल and age of a variable q is increasing at the rate of 3 centimeter per second, how fast is the value of the cube is increasing when the age is
10 सेंटीमीटर लॉन्ग, 10 सेंटीमीटर क्या है वो लंबा है, ओके चलिए काम जब सोल्व किया जाएगा तो याद रखिएगा बाबू, फिर बता रहे आप लोगों को कि पहले क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा। तो एक परिवर्तनशील घन का किनारा 10 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो बात ना कि जहां बढ़ना बढ़ने का बात आ जाएगा तब समझ गए होंगे कि वो क्या दिया होगा, डी के फॉर्म में उसका दिया होगा वैल्यू, ठीक है। घन का आयतन किस दर से बढ़ रहा है जबकि किनारा 10 सेंटीमीटर लंबा है, इंग्लिश में लिखिए देखिए। तो पहले मान लीजिए इसमें क्या चाहिए, एक किनारा चाहिए और एक आयतन चाहिए घन का, और कोई मानना होगा का जो जो वैल्यू है उसी वैल्यू को मानना होगा। तो माना कि घन का किनारा, माना कि घन का किनारा L और आयतन भी है, लेट L बी द एज एंड भी बी द वैल्यू, वैल्यू ऑफ ए क्यूब, ओके। तो याद रखिएगा, तो फिर देखिएगा एक एन एज ऑफ ए वेरिएबल क्यू इज इंक्रीजिंग, उसका एज इंक्रीज कर रहा है, डी एल वाई क्या हो जाएगा, डी टी कितना 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अच्छा इसका वैल्यू का इंक्रीजिंग निकाला है, डी वी बाई डी टी हम लोग को निकालना है, और उसका लेंथ दे दिया कितना है 10 सेंटीमीटर, एन दिया हुआ है, देख लीजिए अच्छा से। तो जो वैल्यू हम लोग का दिया है उस वैल्यू को लिखते रहे। अब आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि इसको कैसे लिखा जाता है। अब आगे देखिएगा, इतना समझ गए क्या है, टाइम ले रहे हैं यहाँ पर दिया है बाटा में सेकंड में। पहला क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन था कि उसमें बोला था कि रेडियस के रिस्पेक्ट में, लेकिन यहाँ नहीं, यहाँ बोला नहीं है, लेकिन जो बाटा में रहेगा उसी के रिस्पेक्ट में लेना होगा, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, अब उसके बाद उन्होंने क्या है कि जो वैल्यू दिया है, दिया हुआ वैल्यू हमारे है ना बाबू, दिया हुआ वैल्यू हम लोग का क्या है, लेंथ है, लेंथ का फॉर्मूला होता होगा, एज का फॉर्मूला होता होगा, नहीं ना। तो नहीं, अब क्या वैल्यू निकल के वैल्यू पर चलेंगे, तो लिखिएगा नाउ वैल्यू ऑफ क्यू इक्वल एल क्यू, साइड क्यू होता है ना एल क्यू, तो भी इक्वल एल क्यू हो जाएगा, डी सी डब्ल्यू आर टी और कावर टी, तो डी वी बाई हम लोग का डी टी हो जाएगा, यहाँ थ्री एल ए स्क्वायर और डी एल बाई का बन जाएगा डी टी, डी एल बाई डी टी हो जाएगा, डीएल वाई का बन जाएगा हम लोग का, डी वी वाई का बन जाएगा डी टी इक्वल थ्री एल ए स्क्वायर, अब मान पुट कर दिया थ्री एल का वैल्यू कितना है, एल का वैल्यू हम लोग का 10 का स्क्वायर है, और डीएल बाई डी टी कितना है, डीएल बाई डी टी का जो हम लोग का वैल्यू है कितना है 3 है, डीएल बाई डी टी का वैल्यू हम लोग कितना है बाबू 3 है, ये रहे देख लीजिए अच्छा से। तो जब हल किया जाएगा तो डी वी बाई डी टी इक्वल कितना 3 × 100 × 3, डी वी बाई डी टी इक्वल कितना 900 सेंटीमीटर क्यूब, की तो वैल्यू का आयतन क्यूब में होता है, तो यही हम लोग का, ओके। तो ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर कौन हुआ 4, ओके। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, और ये आज आप लोग का बेसिकली था, थोड़ा सा बताएं, अगर नहीं समझ में आया होगा तो गारंटी दे रहे हैं कि कल का जो क्वेश्चन बनेगा तो आप लोगों को पूरा क्लियर समझ में आ रहा है, ठीक है। लेकिन आज इसका कंसेप्ट है, देख लीजिए कैसे इसको हल किया जा रहा है, अगर आप लोग समझ गए होंगे तो आप लोग 1 से 5, 6, 7, 8, 9, 5 क्वेश्चन आप लोग का कर सकते हैं, एनसीईआरटी बुक का आप लोग का कर सकते हैं, बना सकते हैं, ओके। तो इस वीडियो में आज के लिए इतना ही, अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना भूलिएगा। जय जय भारत। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, एएससी टू चैनल में आपका स्वागत है, और आज हम लोग केमिस्ट्री में उवास दब के अनुमान पर आधारित हम लोग क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं, न्यूमेरिकल आंकिक प्रश्न, ओके। तो हम लोग का फॉर्मूला था P0 - PS/P0 इक्वल छोटा n / n + 1, एक फॉर्मूला ये था,
और एक फॉर्मूला हम लोग का ये था कि पी जीरो माइनस पी एस बटा में पी नॉट इक्वल या का छोटा डब्लू इंटू बड़ा एम बटा में बड़ा डब्लू इंटू छोटा एम, एक ये था। और एक बार आप लोग का फॉर्मूला ऊपर आया होगा पी नॉट माइनस पी एस बटा में पी नॉट इक्वल यहाँ मूल लंच था एक्स था। तो जैसा आप लोग का क्वेश्चन देगा उसके बेसिस पर हम लोग को क्या करना है, न्यूमेरिकल को क्या करना है बनाना है। ओके, अब देखिएगा अगर एक क्वेश्चन आप लोगों को एक फॉर्मूला अगर मालूम रहेगा तो सब निकाल सकते हैं क्योंकि ये तो सेम टू सेम कॉमन है। आप लोग एक से ना तो मोल अंश है, मोल प्रभाव चाहे मोल अंश है किसका अंश सॉल्व विलय का, तो विलय का मोल अंश को बैठा देंगे तो विलय का मोल अंश इतना होता है और इसको छोटा डब्ल्यू बाई छोटा एम करके इसको चेंज किया होंगे था। ओके, तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, आज इसके न्यूमेरिकल की ओर बढ़ते हैं और कुछ टॉपिक भी आज इस पर बताना चाहेंगे। ओके, तो फिर एक बार आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अगर आज तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आपको हर एक चैप्टर का लाइन बाय लाइन थ्योरिकल चीज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और उसके बेसिस पर न्यूमेरिकल आपको बताया जाएगा। ओके, बिहार बोर्ड की एक अच्छे तरीके से तैयारी कराया जाएगा। ओके चलिए, तो इस पर क्वेश्चन आप लोग बता रहे हैं, क्वेश्चन आप लोग एक बता चुके थे, इस पर क्वेश्चन नंबर हम आप लोग को दो बता रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर दो बोला है कि 25 डिग्री सेल्सियस पर शुद्ध जल का वाष्प दाब, शुद्ध जल का वाष्प दाब 23.5 mm है, 23.5 mm है, मिलीमीटर इसको बोलेंगे है। ओके, किसी पदार्थ का 10 ग्राम 100 ग्राम जल में घोलने पर विलयन का वाष्प दाब 22.84 mm है, 22.84 mm है या 22.84 mm हो जाता है। तो पदार्थ का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करें। चलिए बना लिया हम लोग। तो बोला है कि 25 डिग्री सेल्सियस पर शुद्ध जल का वाष्प दाब इतना है। देखिएगा, किसी पदार्थ का 10 ग्राम 100 ग्राम जल में घोलने पर विलयन का वाष्प दाब इतना हो जाता है। तो याद रखिए, आपको बताया गया होगा कि जब किसी विलायक में किसी विलेय पदार्थ को घोलते हैं तो विलयन का वाष्प दाब का आता घट जाता है, विलयन का वाष्प दाब का आता घट जाता है। ओके, तो पदार्थ का आणविक द्रव्यमान का आकलन ज्ञात करें। तो पहले समझा जा कि टी का हम लोग का मान कितना भी आता है, टी कितना डिग्री है, 25 डिग्री सेल्सियस। अब देखिएगा शुद्ध जल का वाष्प दाब, तो याद रखना होगा यहाँ पर, पहले समझिएगा कि इसमें दो चीज है, एक पदार्थ है और एक क्या है, जल है। इन दोनों में सबसे पहले क्लियर करना होगा कि कौन हमारा विलय होगा और कौन हमारा विलायक होगा। तो देखिएगा पदार्थ कितना है 10 ग्राम और जल कितना है 100 ग्राम। आप लोग समझ गए होंगे कि विलय का काम पदार्थ करेगा और विलाय का काम कौन करेगा। तो याद रखिए बाबू कि जब अगर विलय और विलाय अगर पहचान गए तब हर एक चीज को लिख लीजिएगा। तो याद रखिएगा, तो विलय कितना है, छोटा डब्लू कितना है 10 ग्राम, अब बड़ा डब्लू कितना है 100 ग्राम। इतना दो चीज क्लियर हो गया, इतना तक कन्फर्म हो गया। अब याद रखिएगा बाबू कि जो आप लोग याद रखिएगा कि जो विलायक होता है ना, जो विलायक होता है
तो बिलाई के वास्तेदार कौन पीनट मानते हैं, क्या मानते हैं पीनट। और एक होता है विलियन, विलियन है विलियन, विलियन के वास्तेदार को हम लोग क्या मानते हैं पीएस मानते हैं, क्या मानते हैं पीएस। ये दो चीज को आप पकड़ना होगा, ठीक है। तो पीनट तो याद रखिए, जल हम लोग का बिलाई का काम किया तो बिलाई के वास्तेदार पीनट, तो जल हमारा देखिए जल का वास्तेदार दिया है तो बताइए कि पीनट लेंगे पीएस लेंगे, तो पीनट लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि जल हम लोग का बिलाई का काम करेगा, तो जो बिलाई का काम करता है उसके वास्ते आपको पीनट मानते हैं, जो विलियन का वास्ते आप करते हैं उसको पीएस मानते हैं, और विले जो होते हैं उसके वास्ते आपको लिखा जाता है नहीं। ओके, मतलब ठोस है वो वाष्प उसका निकलेगा नहीं, विले का ठोस इसका वाष्प नहीं होगा, क्योंकि तब घोला जाता है ना बाबू, तो विले का वाष्प नहीं होता, विले होता है ठोस के रूप में होता है। ओके चलिए, इतना क्लियर हो गया, अगर होगा भी तो आगे बात करेंगे। हाँ चलिए, तब देखिएगा तो पीनट का वैल्यू हम लोग कितना हो जाएगा, तो पीनट का 23 पॉइंट कितना है 5 एमएम है। अब पीएस कितना है, तो पीएस हम लोग का 22.84 एमएम है। क्लियर हिस्सा की धीरे धीरे हो गया। चलिए अब देखना है कि अब आप लोग को देखने से पता कि हम लोग का ये फॉर्मूला यूज होती है, इस फॉर्मूला में हम लोग का छोटा एम बड़ा एम चाहिए, तो छोटा एम का हम लोग को निकालना ही है। देखिए पदार्थ कार्य विकरण बोला है, और बड़ा एम का काम कौन किया, जल किया, तो जल का फॉर्मूला H2O है, इसको हल करिएगा तो टोटल वैल्यू 18 आ जाए। अब लिखेंगे रावल्ट के वाष्प दाब के अपेक्षित अवनमन से, अवनमन से। ओके, रावल्ट के वाष्प दाब की जब अपेक्षित अवनमन की बात करेंगे तो पीनट माइनस का अगर पीएस बटा में पीनट हो जाएगा, और ये क्या होगा छोटा डब्ल्यू इंटू बड़ा एम बटा में बड़ा डब्ल्यू इंटू छोटा एम। कंफर्म है तो पीनट का मान 23.5 है, इसको जीरो से कर सकते हैं, माइनस 22 पॉइंट कितना है 8 बटा में 23 पॉइंट क्या है 5, जीरो मान सकते हैं अपना सुविधा के लिए। इक्वल छोटा डब्ल्यू कितना है 10 है, और बड़ा एम कितना है 18 है, बड़ा डब्ल्यू कितना है 100 है, और छोटा एम हम लोग को निकालना ही होगा। ओके, अब इस वैल्यू को आप लोग क्या करिएगा, पुट कर दीजिए, घटाइए, ये हो जाएगा घटेगा तो 10 में से 4 गया 6 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा नहीं घटेगा 14, ये हो जाएगा हम लोग का 6। क्लियर है? और इसके बाद क्या हो जाएगा हम लोग का 2.00 बटा में हो जाएगा ना, और नीचे हो जाएगा 23.50। क्लियर है? और ये हो जाएगा 18/10 छोटा एन, घटा दिए। ओके चलिए, अब 66/ में कितना आ गया, दशमलव हो जाएगा 23.50 बराबर 18/10 एन, 10 कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल होगा ना बाबू, तो कितना 66 एम बराबर 235 × 18, इसलिए एम बराबर 235 × 18 बटा में 66। देख लीजिएगा बाबू, क्लियर है? कैलकुलेशन तो आप लोग हल करने जान रहे हैं, तो देखिए हम लोग कैलकुलेशन कर दिए। अब इसको कटाइए, कटाना है तो 6 × 1 = 18। क्लियर है? 11 से कटेगा, 11 × 2 = 22, हाँ लगभग में कटा दिया जाए, देख लीजिए। अब इसको हम कटा रहे हैं, 11 × 2 = 22, 1 = 15, 11 × 1 = 11 हो 1 = 4, 11 × 3 = 33, 3 × 3 = 3, एम इक्वल कितना 3 × 3 = 9, 3 × 3 = 6, 63 पॉइंट लगभग कितना हो जाएगा 9, 63 पॉइंट कितना हो जाएगा हम लोग का बाबू 9 हो जाएगा। ओके, 63 पॉइंट कितना हो जाएगा इसका आंसर 9। एक बार फिर से मिला लिया जाए,
तिरसठ पॉइंट कितना हम लोग का हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तिरसठ पॉइंट नौ। चलिए एक और हम आप लोग क्वेश्चन दे रहे हैं जो इसके बेसिस पर ही है। ओके अगला क्वेश्चन हम आप लोगों को दे रहे हैं।